इस किले तक पहुंचने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के ऐसे अद्भुत जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में ही अद्वितीय है। अब तक तो आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि हम किस जगह के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहे जाने वाले चैतूरगढ़ के बारे में। इसे लाफागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल अपने अलौकिक होने के साथ साथ अपने नदी, झरने, जलाशय व मजबूत किले के लिए प्रसिद्ध है। यह कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में स्थित है। बिलासपुर से इसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर व कोरबा से इसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। इसका निकटतम एयरपोर्ट चकरभाठा एयरपोर्ट है, जो कि बिलासपुर में स्थित है। आप यहाँ बिलासपुर कोरबा मार्ग के माध्यम से बाई रोड जा सकते हैं। यह पिकनिक मनाने व एडवेंचर के शौकीनों के लिए पसंदीदा जगह के रूप में काफ़ी विकसित हो रहा है। जब आप यहां पहुंचते हैं तो यहां पार्किंग स्थल से इस किले तक की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, जो कि आपको ट्रैकिंग के माध्यम से तय करनी होती है। आप किले तक अपने वाहन के माध्यम से भी जा सकते हैं, किंतु उसके लिए वन विभाग का परमिशन जरूरी होता है। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप किले के सिंह द्वार तक पहुँचते हैं। इस किले में 4 द्वार है, सिंह द्वार, मेनका द्वार, हुंकार द्वार व खुल्ला द्वार। चैतूरगढ़ का यह किला यहाँ प्रमुख व आकर्षित स्थल है। कहा जाता है कि कालांतर में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, जिनमें से एक है चैतूरगढ़ का यह किला। इस किले का कुछ हिस्सा मानव द्वारा निर्मित है व अधिकांश हिस्सा प्राकृतिक रूप से निर्मित है, जो कि इसको अन्य किले से अलग बनाता है। इस किले का निर्माण 1069 ईस्वी में कलचूरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था, जब लाहौरी वंश के कलचूरी शासकों ने छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में विजय प्राप्त किया था। तब उन्होंने अपना प्रथम राजधानी तुम्बाड़ को बनाया था, किंतु उनके द्वारा विजित पाली क्षेत्र समतल होने के कारण युद्ध व आक्रमण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं था, इसलिए इस किले का निर्माण ऊंचाई वाले स्थान पर मैकाल पर्वत श्रेणी पर कलचूरी शासकों द्वारा करवाया गया था। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3060 फीट है तथा यह भारत के कालांतर में निर्मित चुनिंदा सुरक्षित व मजबूत किले के रूप में भी गिना जाता है। इस किले का प्रथम द्वार सिंह द्वार है, जहां 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के माध्यम से पहुंच सकते हैं। कलचूरी शासक अपने आप को शेर के समान मानते थे, इसलिए इस द्वार का नाम सिंह द्वार रखा गया। यह द्वार उनका प्रमुख द्वार हुआ करता था। सिंह द्वार में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजमान है। सिंह द्वार से कुछ दूरी पर 12 भुजाओं वाली आदि शक्ति माँ महिषासुरमर्दिनी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण रतनपुर शाखा के प्रथम कलचूरी शासक कलिंगराज ने 1020 ईस्वी में करवाया था। महिषासुरमर्दिनी माता का मंदिर नागर शैली से निर्मित है। मंदिर के समीप ही साइन बोर्ड बनाया गया है, जिसमें इसके आसपास स्थित सभी स्थलों तक जाने के लिए मार्ग का चित्रांकन किया गया है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक विशेष तालाब है। इस किले में 5 तालाब हुआ करता था, जिनमें से 3 तालाब में वर्ष भर पानी रहता है व 2 तालाब मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। यह प्रमुख तालाब को गर्गज तालाब के नाम से जाना जाता है। तालाब के ठीक सामने ही गर्गज पहाड़ स्थित है। इस तालाब में वर्ष भर पानी भरा रहता है, जिसमें जंगली जानवर भी पानी की तलाश में गर्मी व बरसात के दिनों में आते हैं। गर्गज तालाब से कुछ ही दूरी पर व्यू पॉइंट भी बनाया गया है, जहां जाकर आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। व्यू पॉइंट से कुछ ही दूरी पर किले का मेनका द्वार स्थित है, जहां मेनका देवी का मंदिर स्थित है। इस स्थान से कुछ ही दूरी पर शंकर गुफा है, जिसे महादेव खोल के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा पुनः 2 सुरंगों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक भस्मासुर व दूसरी सुरंगी गुफा है। सुरंगी गुफा के भीतर ही प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जहां अखंड दीप प्रज्वलित होते रहती है। सुरंगी गुफा की लंबाई 25 फीट है। किले के हुंकारा द्वार में नटराज की प्रतिमा विराजमान है। मैकाल की इस पर्वत श्रेणी से ही जटाशंकर नदी प्रवाहित होती है व साथ ही साथ यहाँ कई झरने का निर्माण मानसूनी वर्षा से होता है, जो कि यहाँ की सुंदरता को और भी ज़्यादा निखारती है।
विंटर या जनवरी फरवरी के मौसम में यहाँ का दृश्य ऐसा होता है मानो आसमान ही धरती के गोद में समाहित हो रही है। यहाँ का औसत तापमान छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों से काफी कम होता है, इसलिए यहाँ गर्मी मौसम में भी शीतलता का अनुभव होता है। जब भी आप चैतुरगढ़ भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ घूमने के लिए उचित समय सुबह और दोपहर का है, क्योंकि इन सभी जगह को घूमने के लिए आपको अत्यधिक समय लग सकता है। साथ ही साथ आप जब भी यहाँ ट्रैकिंग करते हैं तो अपने साथ कुछ खाने की सामग्री व पानी की बोतल अवश्य रखें। साथ ही साथ प्रयास करें कि पर्यावरण को भी नुकसान न हो। यहाँ रात्रि को रुकने व ठहरने की भी व्यवस्था है, जिसके लिए आप वहाँ समिति के सदस्यों से भी संपर्क कर सकते हैं।